दिस इज मी डॉली तलविया और आज तो मैं आप लोग के साथ एक अच्छी सी रेसिपी शेयर करूंगी मैंगो शेक की। ये मेरे पास मैंगो है और ये सारा मेरा मटेरियल है। कल तो मैं टर्टल बीच चली गई थी तो कल मैं आके सो गई थी, मैं बहुत थक गई थी तो मैं अभी उठी थी तो मैंने कहा मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं मैंगो शेक पीऊँ। मेरे पास मैंगो भी थे तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मैंगो शेक की रेसिपी भी शेयर करूं। तो मैंने मैंगो शेक के लिए मैंने रेसिपी के लिए मटेरियल ले लिया इसके और मैं अब मैंगो को कट करूंगी। अब मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेती हूँ। मैं मैंगो को कट करूंगी। ये देखें मेरे मैंगो कट हो चुके हैं और मैंने 2 मैंगो लिए थे जिसकी मैंने कट कर चुकी हूँ। अब मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करूँगी। मेरे पास तो फर्स्ट मेरे पास जूसर है, मैं अब इसको ओपन करूँगी। और जी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी जितनी भी मेरे पास जो जो मेरी वीडियो होंगी वो ताकि आपको मिल जाए। मैंने ये डाल दिया है, ये मैंने 2 मैंगो को कट करके इसमें डाल दिया है और ये मैंने 4 टेबलस्पून फ्रेश मिल्क नहीं लिया, ना पाउडर मिल्क लिया है, डब्बे वाला भी दूध नहीं लिया क्योंकि पाउडर वाले मिल्क से हमारा थोड़ा थिक बन जाता है, उन दोनों से पतला पतला से बनता है और फिर ना पाउडर वाले मिल्क में मज़ा भी आता है। मैंने डाल दिया। अब मैं डालूँगी इसमें शुगर। शुगर आपको 5 क्वांटिटी रखनी है इतने बड़े स्पून की, 5 टेबल स्पून। अगर आपके पास बड़ा वाला स्पून हो उसमें आपकी क्वांटिटी होगी 3 या 4 स्पून। इसमें मैं 5 रख रही हूँ, मैं 2 स्पून डाल चुकी हूँ, 3 है, 4 एंड 5। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा वाटर ताकि वो थोड़ा सा जो पाउडर है ना उसमें ताकि मिक्स हो जाए। मेरा वाटर इतना बहुत है और चाहे तो आप गर्म पानी भी ले सकते हो और ठंडा भी ले सकते हैं। अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। हो गया या नहीं हम स्पून को लेंगे और फिर चेक करेंगे, देख रही हैं कितना थिक बन रहा है, ये देखें। और इसको थोड़ा सा और चलाएंगे मुझे लग जी। तो मुझे इतना जो शेक है वो बहुत थिक लग रहा है तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी, या तो आप मिल्क भी ऐड कर सकते हैं या तो वाटर भी। ये बहुत थिक हो गया था मेरा इसलिए मैं इसको चलाऊँगी। हो चुका होगा, देखें इतना थिक तो बड़े मज़े का लग रहा है। अब जाहिर सी बात है जब इसमें आइस ऐड होगी तो और फिर पतला हो जाएगा, तो इसलिए इतना थिक बहुत है जी। तो अब मेरा ये शेक जो है वो हो चुका है, देख लें। अब मैं इसको ग्लास में सर्व करूँगी। वाओ, मैं तो दिल चाह रहा है अभी पी लूँ बहुत सारा, दोनों ग्लास दिल कर रहे मैं पी लूँ। इसमें हम डालेंगे आइसिंग क्यूब। अब इसमें हम डालेंगे आइस क्यूब। मेरी तो आइस क्यूब बहुत ज़्यादा मैट लग रही है मुझे और ये देखिए मैं डाल रही हूँ इसमें। और आ जाओ भाई। जी तो
अब मैंने स्माइसिंग ट्यूब डाल चुकी हूँ और अब मैं इसमें ये लगा दूँगी, मैं यहाँ से भी इसे लगा दूँगी। तो मैंने अब इसमें ये मैंगो स्लाइस लगा दी हैं। ये कितना प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत मन कर रहा है पीने का, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा ठंडा होगा फिर मैं इसको बहुत मज़े से पीऊँगी। बहुत अच्छा बना है। इसी रेसिपी को बिल्कुल सेम तरीके से बनाइएगा। अगर आपको क्वांटिटी में ज़्यादा बनाना है, क्वांटिटी इसकी डबल करनी है, तो इसकी जो मैंने आपको जो मेंशन की है ना, इतनी क्वांटिटी में मैंने शुगर डाली, इतनी क्वांटिटी में, वो उसकी वो क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा, ताकि वो आपका ज़्यादा भी बने और क्या नाम है, मज़ेदार भी बने। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपका शेक किस तरह बनाएँ या नहीं, अच्छा बना होगा यकीनन, क्योंकि मेरी रेसिपी तो बड़ी अच्छी है। बाय बाय, और टर्टल बीच की वीडियो आपके पास जल्दी शेयर आ जाएगी। बाय।